आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटी का एक ज़बरदस्त नाश्ता। हमारा कुछ चटपटा खाने का मन था, फ्रिज में देखा चार दो तीन रोटियां रखी हुई थी, तो फिर क्या था, मैंने फटाफट टमाटर काटा, प्याज काटा, हरा मिर्चा काटा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमको इन्हें इसको रफली चॉप करके रेडी कर लिया है। अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, तो उसमें हमने खूब सारा जीरा डाला। फ्रेंड्स, जीरा इस नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। देखिए, जीरा हमने खूब अच्छे से डाला है। जब जीरा हमारा कुछ लाल सा हो जाएगा, तब हम उसके अंदर जो हमने प्याज और हरी मिर्ची चॉप करके रखी थी उसको भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, बात करते करते हमारा प्याज भी सौते हो गया है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक हमने डालने के बाद हमने जो टमाटर चॉप करके रेडी किए थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मीडियम टू लो गैस पर भून कर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं जैसा कि हम भून रहे हैं, इसी तरीके से हमको इसको भून कर रेडी करना है। और गैस की फ्लेम स्लो रखिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये बिल्कुल नया और आसान नाश्ता है। अब हम इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सा नमक और डाल देंगे हल्का सा, क्योंकि अभी हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये देखिए, मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से चलाएंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक खूब अच्छे से इसको भूनेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में घुल मिल जाए। फिर अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी डालकर भी हम इन मसालों को भूनेंगे। फिर मैंने इसके अंदर आधा ग्लास पानी और डाला, क्योंकि मेरी चार रोटियां थी। आपके पास जितनी रोटियां हो आप उस हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। तो ये देखिए, पानी भी हम अच्छे से खौलाने लगा है। इसको खूब खौलाकर हम रेडी करेंगे। जब हमारा पानी आधा रह जाएगा तो हमने जो दो रोटी के टुकड़े कट करके रखे हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और खूब अच्छे से इसको चलाते जाएंगे। बीच बीच में इसको चलाते जाइएगा ताकि ये रोटी डाली है ना हमने इसके अंदर, रोटी हमारी नीचे से चिपक ना जाए, इसलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए, जैसा कि हम चला रहे हैं इसी तरीके से आपको भी चलाते जाना है। और इसको हम पानी इसका आलमोस्ट हमको सुखा लेना है। हमको इसी तरीके की रेसिपी चाहिए, इसलिए हमको इसका पानी सुखाना है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ये नाश्ता खाने में आप इसको नाश्ते में, डिनर में, लंच में कभी भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा पानी बिल्कुल से सूख गया है और इसका टेस्ट तो इतना अच्छा आता है कि आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।